महानुभावों, अभी आप सभी लोग लगातार सारी की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सारी की सारी व्यवस्थाओं को देखकर सुनकर आनंदित हो रहे हैं। जीवन में जन्म मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन में जन्म मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन में जन्म मिलने के बाद में उसको सार्थक करना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। जन्म तो मनुष्यों को भी मिलता है, त्रेंचों को भी मिलता है, चींटी आदि छोटे से जीवों को भी मिलता है और अनेकों अनेक जीवों को जन्म मिलता है, लेकिन बिरले ही जीव हुआ करते हैं जो अपना जन्म लेकर अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। तो आज यहाँ पर आप सभी लोग उपस्थित हुए, मैं आपको एक बात कहूँगा कि जीवन में आप लोग कोई ना कोई बहाने से, कोई ना कोई साधन से, कोई ना कोई क्रियाओं से आप सारी क्रियाओं को देखते हैं, समझते हैं, अन्य सारी क्रियाओं को करते हैं, लेकिन जन्म मिलने के बाद जीवन जो सुधार लेता है वही इस युग में भगवान महावीर को पाया करता है। आज यहाँ पर मैं देख रहा था, कल शाम से ही भक्तों की भक्ति, श्रद्धालुओं का श्रद्धान, अन्य अन्य सारी क्रियाएं चल रही थी। आपको बता दूं कि जो भक्तों की भक्ति है, श्रद्धालुओं का श्रद्धान है, वह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप में से जन्मा एक जीव मोक्ष मार्ग की यात्रा कर रहा है। ये तो वर्तमान काल में जन्मदिन मनाए जाते हैं, बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहुंचते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर कितने लोग बढ़ते हैं यह यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर जो कार्यक्रम पिछली परिवर्तन का है, आचार्य पदारोहण दिवस का है, जन्म जयंती महोत्सव का है, वह सिर्फ आप नाम सौभग सागर, शुभ सागर, सुकीर्ति सागर, आचार्य सिद्धांत सागर कुछ भी हो सकता है, ये नाम का जन्म जयंती महोत्सव नहीं है, नाम का आचार्य पदारोहण दिवस नहीं है, बल्कि ये तो एक संयमी का संयम धारण करने के बाद में मोक्ष मार्ग पर गमन हो रहा है, उस हेतु हम लोग यहाँ पर सारे काम को संपन्न करते हैं। नाम तो बदलते रहेंगे, व्यवस्थाएं बदलती रहेंगी, सारी की सारी क्रियाएं बदलती रहेंगी। तो आप सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में आप सभी लोगों ने अपने जन्म को सार्थक करने का प्रयास किया, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर लेता है, जो व्यक्ति अपने जन्म को सार्थक कर लेता है, वही इस युग में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान महावीर स्वामी की यात्रा को कर पाता है। तो वैसे तो जन्म को होकर आज 39 साल पूरे हो गए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जन्म देह का हुआ था, लेकिन आत्मा का जो जन्म हुआ था वो 21 वर्ष पूर्व महावीर जयंती को हुआ था। जो जन्म सार्थक है और लोगों के सार्थक करने के काम में आ रहा है, क्योंकि मिथ्यात्म में जन्म लेना, लोगों के बीच में जन्म लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हर व्यक्ति हर समय प्रतिपल ले रहा है, लेकिन जन्म लेने के बाद में यहां पर आकर बैठना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और मैं आप सभी से एक बात कहता हूं कि आपके घर में आने वाली जो संतान है, आपके घर में जो आने वाली संतान है या जो आपके घर में संतान है, वह भगवान महावीर स्वामी नहीं बन सकती, भगवान पारसनाथ नहीं बन सकती, भगवान मुनीश्वर आदिनाथ चंद्रप्रभु भगवान नहीं बन सकती, कोई बात नहीं, आचार्य आदि सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति, आचार्य श्रीमति सागर जी, आचार्य सिद्धांत सागर, आचार्य सौभग सागर नहीं बन सकती, कोई बात नहीं, आपकी पुत्री चंदनवाला ब्रह्मी सुंदरी नहीं बन सकती, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपके बच्चों को आपके अंदर इतने संस्कार होना चाहिए कि आप लोग भगवान महावीर स्वामी के भक्त बन सको, आचार्य सिद्धांत सागर महाराज, आचार्य सौभग सागर जी महाराज के भक्त बन सको, चंदनवाला आदि आरिकाओं के भक्त बन सको, इतने संस्कार तो प्रत्येक माता पिता को अपने जीवन में देने का प्रयास करना ही चाहिए। और जो लोग इस प्रयास को कर लेते हैं निश्चित रूप से वे अपने जीवन को सफल और सार्थक बना लेते हैं। आगे और भी क्रियाएं हैं, तो मैं आप सभी को आज यही कहूंगा कि जन्म मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जन्म को सार्थक करना यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यही मंगल सुख भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। गुरुवर जन्म दिन आपका आया, बहुत बहुत है बधाई, धर्म त्याग और मोक्ष मार्ग की मंगल वेला आई, जन्म दिन के शुभ दिन पर
प्रथम पद आचार्य पद पाया श्री सिद्धांत सागर जी गुरु ने आपका आपका जीवन सफल बनाया। मम जीवन उपकार किया आपने, वर्षों की इच्छा सरकार आपने कराई, गुरुवर जन्म जिस आया आपको बहुत बहुत सद्बुधाई। चलिए बहुत बढ़िया, समय के हिसाब से सारा काम किया, ताली बजा के वंदन करें। महाराज जी देखिए नदीचे थे हैं। आज आचार्य गुरुदेव का अवतरण दिवस और 39वां अवतरण दिवस और 6वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ पक्षी का परिवर्तन भी हो रहा है। आप हमारा कहीं भी चतुर्मास हो, आप एक डेट फिक्स आप अपने माइंड में रख लो कि 6 नवंबर हमेशा और हमेशा आचार्य गुरुदेव का पक्षी परिवर्तन सत्संग का पक्षी परिवर्तन 6 नवंबर को ही होता है और कलश स्थापना गुरु पूर्णिमा के दिन ही होती है। आचार्य गुरुदेव का जन्म स्थान तो वैसे दमोह है, दमोह नगरी में गुरुदेव का जन्म हुआ। दमोह नगरी ऐसी महान नगरी है, ऐसी पावन धरा है जहाँ पर आचार्य गुरुदेव गुरुदेव के भी गुरुदेव आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी का भी जन्म हुआ था और आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी का भी जन्म दमोह का है। और तो और जो इस जैन धर्म को पूरे विश्व में फैलाने वाले मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज जी का जन्म स्थान दमोह है। ऐसी पावन धरा है दमोह जहाँ से एक नहीं कईयों महान आत्माओं ने जन्म लिया है और ऐसी नगरी से आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज जी का जन्म हुआ है। और जन्म तो प्रत्येक जीव लेता है पर जन्म लेने के बाद में अपना कल्याण प्रत्येक जीव नहीं कह पाता। यदि किसी का कल्याण होता है तो वो सच्चे देव सास गुरु की शरण में आने से होता है और सच्चा धर्म भी यदि है तो उमा स्वामी जी महाराज जी ने तत्वा सूत्र में मंगला चरण के बाद में पहला सूत्र है उसमें बोला है, सूत्र बोला है सम्यक दर्शन ज्ञान चारताणी मोक्ष मार्ग। यदि मोक्ष मार्ग है तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग में यदि आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना है। सबसे पहले यदि आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना है और सम्यक दर्शन से ही सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान से ही सम्यक चरित को साध सकते हैं। यदि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो 11 अंग 14 पूरब का ज्ञान भी आपका मिथ्या ज्ञान होता है। निरोगी हो काया मिले सुख शाश्वत जो सिद्धों ने पाया यशो कीर्ति दिन रैन बढ़ती ही जाए कि उपसर्ग परिषय कभी ना सताए सागर में जितने रत्न भरे हैं जिए साल उतने गुरुवर हमारे। तो गुरुदेव सौभाग्य सागर महाराज इतनी छोटी सी उम्र में एक सिर्फ 17 साल की उम्र में संसार की असारता को जाना, उन्होंने सुना, उन्होंने ये पढ़ा कि अनित्य शरीरानी विभवो ना वैभवो ना भवते शाश्वत ना वैभव। तो उन्होंने देख सुना पढ़ा कि जो ये शरीर है ये क्या है अनित्य है और जो जो सुख है ये बड़े सुख में बहुत अच्छे परिवार से थे तो बहुत अच्छा सुख संपत्ति सब कुछ था इनके पास, परंतु इन्होंने इसको भी समझ लिया कि वैभव न शाश्वत जो ये वैभव है ये हमेशा रहने वाला नहीं है और ये जन्म मरण क्या ये असार है ये कभी भी हमें सुख दुख ये मिलता रहेगा और संसार हमारा इस प्रकार चलता रहेगा। तो इन्होंने अपने चारित्र को उज्ज्वल करने के लिए अपने घर से निकल पड़े अपनी आत्मा को जानने के लिए। तो आज हम जो उनकी पूजा कर रहे हैं ये मनुष्य भव की पूजा नहीं है सिर्फ,
उनके आचरण की पूजा है। मनुष्य भव में आकर और फिर अपने आचरण को संभालना, अपने आचरण को उज्जवल बनाना, अपने इंद्रियों को वश में करना, और इस प्रकार उन्होंने अपना जो आचरण चारित्र जो उन्होंने इतना उज्जवल बनाया कि आज वह हमारे शिरोधार्य हैं। हम सबसे ऊंचे वे पंच प्रविष्टि में से एक पंच प्रविष्टि हैं और उनका हम गुणगान करते हैं। कहते हैं कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इस प्रकार से जिसने चारित्र को उज्जवल कर लिया है वही पूजनीय है। एक बार अकबर और बीरबल, वो बीरबल सोचने लगा कि मेरा जो इतना सम्मान होता है मेरे ज्ञान के कारण होता है या मेरे चारित्र के कारण होता है। तो वो इस बात को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां गए खजाने में और वहां से एक मुट्ठी उन्होंने सोना रुपयों की अपनी जेब में डाली, सिक्कों की। तो वो जो कैशियर था वो देख रहा था और वो कैसे कहे कि ये तो इतना बड़ा आदमी है, नौ रत्नों में से एक है, मैं इसे कैसे पकड़ूं, क्यों कैसे पकड़ूं। तो उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर उन्होंने चोरी करी, फिर भी बड़ा सोचता रहा कि कैसे पकड़ूं, ये तो नौ रत्नों में से है, कि राजा जी मुझे ही ना सजा दे दें। फिर तीसरे दिन भी फिर बीरबल ने चोरी करी, तो फिर उसने जो कैशियर था तो उसने बीरबल को उठा के एक मतलब तमाचा दिया जोर से और राजा के पास लेके गया कि तुम चोरी करते हो। राजा को बताया, राजा को भी बड़ा गुस्सा आया, राजा ने भी एकदम गुस्से में कह दिया इसे फांसी पर चढ़ा दो। परंतु एकदम फिर राजा को लगा कि इसने चोरी क्यों की, पूछा तो जाए। तो राजा ने उससे पूछा कि तुमने चोरी क्यों की बीरबल, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम उनसे पूछते मांगते। तो वो कहने लगा नहीं जहां पर ना, मैंने चोरी इसलिए नहीं की, मैं तो अपनी परीक्षा लेना चाहता था, जो मुझे इतना सम्मान आदर मिलता है वे मेरे ज्ञान के कारण मिलता है या मेरे चारित्र के कारण मिलता है। तो अब मुझे पता चल गया कि जो मुझे इतना सम्मान, जो मेरी पूजा भक्ति होती है, ये सब क्या है, आचार्य की जो पूजा भक्ति है ये सब किस लिए है, इनके इनके आचरण के कारण है। गुरुवर का जन्म दिन आया, माता रेखा ने पुण्य है पाया, गुरुवर का जन्म दिन आया, माता रेखा ने पुण्य है पाया, रेखा माता का यश है
कर